मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंदोलन करने वालों को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। उपेंद्र यादव 9 सालों से वो लड़का संघर्ष कर रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी से लेकर वसुंधरा राजे तक के साथ हमने उसे संघर्ष करते हुए देखा है, मगर उसे बुलाया गया कि तुम आओ, तुम्हारे साथ हम वार्ता करेंगे। फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भेज दिया गया बातचीत करने के लिए, फिर रघु शर्मा के पास भेज दिया गया बातचीत करने के लिए। सारा मामला उलझा दिया गया क्योंकि जो आंदोलन करने वाला है उसे ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, और हालत यह हो गई कि उपेंद्र यादव खाली बैठा है। उपेंद्र यादव का क्या दोष है? वह इंसाफ मांगने के लिए सरकार के पास ही तो जाएगा, मगर वह खाली हाथ है और अब कह रहा है कि 14 अक्टूबर से हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन की यही नीति और रणनीति होनी चाहिए, मगर सरकार के नियत में खोट है। सरकार चाह रही थी कि किसी भी तरह से फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, रीट उत्सव मनाने में लगी हुई थी और पीछे से पूरा खेल चल रहा था। कहां से कहां छात्र आकर कैसे कैसे परीक्षा दे रहे थे और उन छात्रों के साथ क्या कुछ चल रहा था, इसके बारे में कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है।